पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद जिला कलेक्ट्रेट पर शिवसेना के द्वारा थाना मझोला पुलिस के खिलाफ एक प्रदर्शन किया गया और एक ज्ञापन जिलाधिकारी मुरादाबाद और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद को सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि मझोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत चौकी प्रभारी जितेंद्र तोमर और क्षेत्रीय पार्षद आपस में सांठ गांठ कर गुरुवार को गांगन के चौराहे पर लगने वाले अवैध साप्ताहिक बाजार से अवैध वसूली कराते हैं, जो कि यह बाजार गांगन चौराहे से अंबेडकर नगर होली चौक तक प्रतिदिन लगता है। बाजार में रोशनी के लिए लगभग 15 सरकारी लाइट लगवा दी गई है। बाजार से जाम अतिक्रमण रहता है और आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिससे राहगीरों को काफी सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, महिलाओं के साथ भी छेड़खानी का मामला सामने आता है। शिवसेना के द्वारा मांग की गई कि गांगन तिराहे पर लगने वाले साप्ताहिक बाजार को हटवाया जाए। यदि दो दिन में यह अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो शिवसैनिक आईजी और कमिश्नर कार्यालय पर जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे। आज शिव सैनिक एसएसपी एवं जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर जिलाधिकारी एवं एसएसपी महोदय को सौंपे ज्ञापन में गांगन पर अवैध बाजार हटवाने की मांग करते हैं। ज्ञात हो कि गांगन पर गुरुवार को साप्ताहिक बाजार लगता है, जिसे मेयर विनोद अग्रवाल, नया मुरादाबाद चौकी इंचार्ज जितेंद्र तोमर और वहाँ का पार्षद लगवाता है। बाजार नगर निगम द्वारा शिव सैनिकों की कंप्लेंट में दर्जनों बार हट गया है, लेकिन हर बार ये अवैध वसूली करके बाजार लगवा देते हैं। थाना मंजोला के अंतर्गत शकुंतला ने अपना पति और अपना ससुर और अपना ससुर जेठ सब मरवा दिए हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। थाना मंजोला पुलिस मिली हुई है। थाना मंजोला में 3 मुकदमे फर्जी दर्ज हैं, लेकिन उस पर शिव सैनिकों ने कई बार धरना प्रदर्शन किए हैं। दर्जनों बार नगर निगम के अधिकारियों ने बाजार हटवा दिया गया है, लेकिन पर बाजार पुनः लगवा दिया जाता है। वहाँ से 60-70 हज़ार रुपये पर हफ्ते की अवैध वसूली है और प्रतिदिन की भी अवैध वसूली होती है। वहाँ आए दिन दुर्घटना होती रहती हैं, जाम रहता है, दुर्घटनाओं में कई व्यक्ति घायल हो जाते हैं और एक दो व्यक्तियों की प्रतिवर्ष मृत्यु तक हो जाती है।